अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सदफ। वेलकम टू माय चैनल क्वारंटाइन बास्केट। आज मैं आपके लिए सेकंड पैटर्न लेकर आई हूँ, तो ये आपके सामने ये देख लें आप इसको। इसमें हम फोर टाइप ऑफ स्टिचेस सीखेंगे। ये कुछ काम मैंने पहले से करके रख लिया था एम्ब्रॉयडरी का, तो ये सबसे पहला जो स्टिच स्टार्ट कर रही हूँ ये, इसका नाम है वूवन व्हील स्टिच। ये जो है एक राउंड सर्कल की तरह है और इसमें आपने इक्वली 5 लाइन ड्रॉ करनी है इक्वली गैप के साथ, और वन बाय वन आपने उस लाइन के थ्रू जो है अपना स्टिच कंप्लीट करना है। तो आप देख लें, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको एक सिखाई थी एम्ब्रॉयडरी, वो सिंपल वुमन थी। सिंपल वुमन स्टिच था, जबकि ये वाला जो है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इसकी शेप अलग आएगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक पूरा व्हील की सूरत इख्तियार कर लेगा। ये देखें सामने जो इस टू वाइट फ्लावर्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये देखें, ये आपने 5 लाइन को फॉलो करना है। इधर ये पूरी नेट की सूरत बन गई है, एक नेट बन गया है। अब आपने सेंटर से निडल निकालनी है और ये देखें इस तरह से, ये फर्स्ट वाली के नीचे से और सेकंड वाली रो के ऊपर से आपने थ्रेड पास करना है। ये देखें, ये थर्ड वाली, ये आपने नीचे से इसका थ्रेड लिया। अब अगेन ऊपर से, फिर सेकंड नीचे से, तो ग्रेजुअली आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। और इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। सर्कल कंप्लीट होने के बाद ये एक पूरा व्हील की शक्ल आपके सामने आएगी और ये एक उभरा हुआ फूल बन जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ये देखें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी फिनिश लुक आ रही है आपके सामने। ये वुवन व्हील स्टिच के लिए मैंने दो तरह के थ्रेड इस्तेमाल किए हैं, एक है वाइट और एक ये है ब्लू। ब्लू कलर कैमरे में जो थोड़ा बहुत डार्क आ गया है, ये डार्क ब्लू कलर है। ये देखें, ये इस तरह से ये रोज बन गया है। उस वक्त तक आपने कंप्लीट करना है, करते रहना ये काम, जब तक कि ये कॉर्नर ये आपके ख़त्म ना हो जाए। ये कॉर्नर नज़र आ रहे हैं ना आपको सर्कल के, ये आपने ख़त्म करना है और पूरा फ्लावर कंप्लीट करना है इसी तरह से। ये देखें, ये कॉर्नर है ना, ये कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये काम आप ज़रूर करें, जब भी कोई भी स्टिच कंप्लीट हो तो उसके बैक साइड पे ज़रूर एक लाजमी नोट लगा दें, वरना क्या होगा थोड़े टाइम बाद आगे से आपका स्टिच जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा और फिर एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाएगी। तो ये ज़रूर आप पीछे से नोट लगा दें ताकि डिज़ाइन आपका वैसे ही रहे। अब ये देखें, ये सेकेंड फ्लावर स्टार्ट कर रही हूँ सेम इसी मेथड से। उसी तरह से आपने सर्कल में 5 लाइन इक्वली गैप से आपने ड्रॉ करनी है और इसी को फॉलो करना है। ये कंप्लीट करके आपने एक नेट बन जाएगा और फिर उसको आपने फिल करते रहना है सेम उसी तरह से जिस तरह से अभी मैंने बताया है।
बहुत ही सिंपल पैटर्न है और ये पैटर्न मेरे खुद अपने हैं, मैं खुद ही ये डिज़ाइन करती हूँ। अगर आपको और किसी एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न चाहिए इसके अलावा, और कुछ डिफरेंट चाहिए या डिफरेंट स्टिच का पैटर्न चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं वो फिर आपके सामने लेकर आऊँगी। ये जो है आप शर्ट पे बना सकते हैं या दुपट्टे पे, चिकन के दुपट्टों पे जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उस पर बहुत अच्छा लगेगा, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। या छोटी बच्चों की जो फ्रॉक्स होती हैं उसके लिए, या कुर्ते पे बनाएं, कुशन वगैरह पे कॉर्नर बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, सेम वही मेथड आपने इसमें भी फॉलो करना है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी ये आप स्टिच कर जब काम कर रहे हो तो आपने बहुत टाइटली काम नहीं करना है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, बहुत खींच खींच के धागा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जो डिज़ाइन की लुक होगी वो आपकी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल हल्का हल्का आपने लूजिंग में काम करना है, ताकि आपका जो सर्कल है, आपका फ्लावर है, उसकी एक अच्छी लुक आए। ये इस तरह से इसमें जो थ्रेड यूज किया है वो उसका नाम है वुमेन थ्रेड, और सिंगल सिंगल थ्रेड यूज किया मैंने और उसको डबल कर लिया है। मतलब एक ही तार आपने यूज़ करना है और दोनों तार को मिला के नोट बांध लिए, तो इस तरह से डबल थ्रेड में आपने काम करना है। उससे क्या होगा, फ्लावर्स की लुक बहुत अच्छी आएगी और भरे भरे फूल लगेंगे। बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये इस तरह से। ये देखिए, थोड़े बहुत तो उसके कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, हमने ये भी फिल करते रहना। ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ से मैं सेकेंड स्टिच स्टार्ट करने लगी हूँ, जिसका नाम है फीदर लीव स्टिच। जितने भी लीव्स हैं वो काफ़ी तरह से उसको बना सकते हैं आप। तो इसमें मैंने लीव का एक मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये आप देखिए। अच्छा, इसमें जो है थ्रेड जो यूज़ किया है वो सेम वही थ्रेड है, लेकिन क्या है, सिंगल यूज़ किया है। आप चाहे तो इसको डबल थ्रेड में भी बना सकते हैं, तो उससे भी इसकी लुक अच्छी लगेगी, लेकिन मैंने अपने लिए जो है वो इसमें दिखाने के लिए सिंगल थ्रेड यूज़ किया है। वुमन थ्रेड है, आप चाहें तो इसकी जगह कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये फीदर की लुक आएगी इसके साथ साथ, ये देखें। बहुत ही आसान तरीका है। आगे आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको लीव बनाने के डिफरेंट मेथड भी बताऊंगी, अभी तो ये एक ही मेथड में भी फ़िलहाल बता रही हूँ। तो लीव जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से आप बनाए जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन और ये स्टिचेस पसंद आ रहे होंगे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ अच्छी लगी या क्या चीज़ मज़ीद आप सीखना चाहते हैं, कौन से ऐसे पैटर्न हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने लेकर आऊँ। ये देखें, ये लीफ आपका कंप्लीट होता जा रहा है और फीदर लुक इसके सामने आती जा रही है, ये इस तरह से। ये इसमें जितने भी लीव हैं, ये दो बड़े लीव हैं, उसके सामने आपको ये तीन एक साथ लीव नज़र आ रहे हैं, ये भी हम इसी स्टिच को
यूज़ करते हुए फॉलो करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, ये लीफ जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसी के साथ ये जो है, ये डंडियाँ जो हैं, पत्ते की जो डंडियाँ, ये हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ से हमारा थर्ड स्टिच शुरू होगा, जिसका नाम है चेन स्टिच। एक जंजीर की शक्ल में इसका ये टांका है जो आपके सामने अभी आने वाला है। बहुत ही बेसिक एम्ब्रॉयडरी है ये, देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है चेन स्टिच। ये देखें किस तरह से सुई आपने निकालनी है, ये देखें एक चेन की तरह का एक बन गया यहाँ पे, ये देखें। इसलिए मैं आपको बहुत ही स्लो करके वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ जाए। ये देखें, ये इस तरह से ये चेन बनती जाएगी यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए भी सिंगल ही थ्रेड चल रहा है, ठीक है। आप चाहें तो डबल थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल में क्योंकि इसकी लुक ज़्यादा वाजह हो जाती है, आसानी से समझ आ जाता है, तो इसलिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल थ्रेड यूज़ किया है। ये इस तरह से आपने कंप्लीट लाइनिंग करनी है। लेमन कलर का जितनी भी एम्ब्रॉयडरी हुई, ये पूरी जो है चेन स्टिच नज़र आ रहा है आपको सामने स्क्रीन पे। दिस इज द थर्ड स्टिच। और जब भी चेन स्टिच अप्लाई करें तो कोशिश करें कि जो टांका लें आप वो ना तो बहुत ज़्यादा छोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बस दरमियाने साइज का हो कि जिसमें चेन बनती भी नज़र आए। और इक्वली लेना है टाँके आपने, ये नहीं कि आपने एक छोटा टाँका ले लिया फिर एक बड़ा ले लिया, तो लुक सारी उसकी ख़राब हो जाएगी। ये देखें कितनी फिनिशिंग आ रही है आपके सामने। ये यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये इस तरह से। ये चैन स्टिच कंप्लीट हो गया है। अभी बाकी के तो दो लीव, तीन लीव्स हैं, ये भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये इस तरह से, ये बाकी जो डंडियाँ ये भी हम चैन स्टिच से बनाएंगे। बाकी जो लीव्स हैं तीनों, ये हमारे फीदर लीव स्टिच अप्लाई होगा इस पर। अब ये देंगे फिनिश लुक के करीब। ये हमारे फोर्थ स्टिच यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हमारा। ये कुछ मैंने पहले से ही बना लिए थे, तो ये तो आपको पता होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको ये वाला स्टिच सिखाया था जिसका नाम है फ्रेंच नॉट स्टिच। वही यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं हम, तो बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आपको कुछ पूछना है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़, कोई बात समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। ये अब देखें पैटर्न क्या था आपके सामने और ये फिनिश लुक किस तरह से आ रही है आपकी। ये बंची से आप जो है वो शर्ट पे अप्लाई कर लें, या ख़ास तौर पे जो प्लो होते हैं या कुशन होते हैं या बेडशीट होते हैं उस पर आप बनाएंगे, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएंगे। और मुझे ये ज़रूर बताएं कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है इस पैटर्न का। इसमें ज़्यादातर लाइट कलर यूज़ किए हुए हैं, सिर्फ एक ब्लू डार्क कलर है जो कि कैमरे की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क, थोड़ा ब्लैकिश लुक दे रहा है।
लेकिन मुझे ज़रूर बताइए किस तरह के कलर आपको पसंद हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी में कौन से कलर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये आपका पैटर्न कंप्लीट होने वाला, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये देखिए, ये आपके चारों स्टिच यहाँ पे कंप्लीट है। फ्रेंच व्हील स्टिच सेकेंड वन इज, चैन स्टिच थर्ड इज फ्रेंच लीफ, और फोर्थ जो हमने यूज़ किया था वो था फ्रेंच नॉट स्टिच। ये देखें, ये मुझे बताइएगा आपको मेरी एम्ब्रॉयडरी कैसी लगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, उस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि नेक्स्ट तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें और आप आराम से फॉलो कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, टिल देन।